जरा चलेंगे उस दौर में जहां पर एक बड़ी मजेदार कहानी हमारे सामने आती है कि दिलीप कुमार साहब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, इतनी अच्छी एक्टिंग की कि राज कपूर साहब को एक नई नवेली हीरोइन को अपनी बहन बनाना पड़ा। पर क्या कर दिया था दिलीप साहब ने, कौन है वो हीरोइन, क्यों राज कपूर उसे अपनी बहन बना रहे थे, ये बड़ी अनोखी कहानी जरा सुनाता हूं। हुआ क्या कि राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब एक फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे और उस फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए एक नई लड़की जो है आ गई। अभी उसने एक्टिंग शुरू नहीं की थी, बस वो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आ गई। शूटिंग देखी तो राज साहब की एक्टिंग देखी, कहा वाह क्या एक्टिंग करता है। दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग देखी तो कहा कि यार ये क्या एक्टिंग करता है, समझ में नहीं आता। दिलीप साहब जो हैं वो बड़े शर्मीले व्यक्तित्व के इंसान हैं और किरदार भी वैसे निभा रहे थे, तो कैमरे के सामने जाते हैं, हल्का हल्का मुस्कुराते हैं, डायलॉग बोलते हैं, चले आते हैं, बिल्कुल भी जोरदार एक्टिंग नहीं करते। दूसरी तरफ राज कपूर साहब का किरदार ही ऐसा था जिसमें ज़रा हो हल्ला, थोड़ा जोश रहना चाहिए था, तो राज साहब अपनी एक्टिंग कर रहे थे। तो ये जो हीरोइन थी नई नवेली, इसने सोचा कि यार ठीक है मैं भी ना दिलीप कुमार की तरह ही एक्टिंग करूँगी। अब साहब राज कपूर ने इस नई नवेली हीरोइन को अपनी एक फिल्म में साइन कर लिया। और जब शूटिंग शुरू हुई, राज साहब बना रहे थे वो पिक्चर, तो क्या देखते हैं कि ये हीरोइन एक्टिंग ही नहीं कर रही, कैमरे के सामने चुपचाप खड़ी हो जाए, हल्का सा मुस्कुराए, थोड़े बहुत डायलॉग बोलने की कोशिश करे और सीन जो है सीन का बंटाधार। तो राज साहब समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, जाके पूछा भी क्यों कर रही हो ऐसा, तो कहते हैं मैंने दिलीप कुमार को एक्टिंग करते देखा था, वो तो बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करते, कैमरे के सामने खड़े रहते हैं, हल्के से डायलॉग बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं। तो राज साहब ने कहा अच्छा, तो तुम यूसुफ बनना चाहती हो, भाई हर कोई तो यूसुफ नहीं बन सकता, ये तो तरीका ठीक नहीं है। खैर शूटिंग का बैकअप किया, अगले दिन राज कपूर आए और हाथ में एक राखी लेकर आए और उस हीरोइन से कहा कि मेरे हाथ पे राखी बांधो, राखी बंधवाई और कहा कि अब देखो तुम्हारे भाई की पिक्चर तुम्हारे हाथों में है, अगर तुमने ढंग से एक्टिंग नहीं करी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं किया, तो पिक्चर डूब जाएगी। अब तुमने मुझे राखी बांध दिया, तुम मेरी बहन बन गई हो, वचन दो कि अच्छे से एक्टिंग करोगी और अपने भाई की फिल्म को बचाओगी। तो हीरोइन को अकल आई कि अरे हाँ, हर कोई तो यूसुफ साहब बन नहीं सकता, और राज कपूर जैसा कह रहे हैं वैसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डायरेक्टर के बिना बताए काम जो है वो बड़ा बिगड़ जाता है। खैर जी, इस हीरोइन ने एक्टिंग की और इस फिल्म में दो हीरोइंस थी, एक नरगिस जी जो कि राज कपूर साहब के साथ थी और दूसरी नई नवेली हीरोइन निम्मी, हाँ फिल्म का नाम बरसात। तो इस तरह से राज कपूर साहब ने दूसरी हीरोइन साइन तो कर ली थी पर वो एक्टिंग ही नहीं करना चाह रही थी, दिलीप साहब बनना चाह रही थी, उससे अपनी फिल्म को बचाया और एक रिश्ता भी बन गया, राखी बंधवाई है। ये बड़ी अनोखी कहानी, इस तरह से उस जमाने में काम हुआ करता था साहब, ऐसे फिल्में बचाई जाती थी, बनाई जाती थी। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दास्तान सुनहरे दौर के दिग्गज कलाकारों की जिंदगियों से जुड़ी मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। ऑन एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 सुनाता हूँ वो गाने जो छू लें आपका मन।